हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज क्वालिटी. अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं. क्वालिटी की हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, या मेजरमेंट करते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है, उसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये अच्छा है या जल्दी खराब हो जाएगा. तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग सब्जी लेने भी जाएंगे तो क्वालिटी देखते हैं कि यह सब्जी कैसी है, अच्छी है या हो सकता है ना थोड़ी सी फ्रेश नहीं होती, तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये इसकी क्वालिटी अच्छी है. तो हर चीज में ये नहीं कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं क्वालिटी देख रहे हैं, हम शूज लेने जा रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी देख रहे हैं कि लेदर किस क्वालिटी का है, कैसा है लेदर, मजबूत है कि नहीं है, लॉन्ग लास्ट करेगा या नहीं. तो यहाँ पे जिसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस, हमने किसकी बात करी थी बच्चों, गैसलर ब्रदर की बात करी थी. और किस तरह से वो जो है जर्मन कहाँ सेटल हो गए थे, अमेरिका में, और किस तरह से उनकी वहां क्या थी, एक शॉप थी. और कई बार आपने देखा ना कि शोरूम में जाते हैं, बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहां क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है पोस्टर्स लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई शूज के होता है ना. तो यहाँ पे जो है मिस्टर जो गैसलर ब्रदर्स है, उनकी एक सिंपल सी शॉप है और है मेन मार्केट में लंदन के, और वहां पे जो है सिंपल सा उनका जो है नाम लिखा हुआ और कोई साइन बोर्ड नहीं है वहां पे, जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस. अभी हम बच्चों उसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या आगे उनको इससे प्रॉफिट होता है, या उनकी गरीबी में दिन बीतते हैं, या उनको जिस तरह से हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, दे डिवोटेड देयर लाइफ किस में डिवोट कर दी थी, अपने वर्क में कर दी थी. तो यहाँ एक वर्ड आया कि क्वालिटी. क्या कॉबलर जो है या शू मेकर को भी हम एक बिजनेसमैन बोल सकते हैं, या जैसे अभी हम फर्दर जो है रीड करेंगे आर्टिस्ट बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहा है, वो भी अपना ट्रीट कर रहा है, वो भी अपने आर्ट दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के शूज बना रहा है और आपके पैर में फिट हो रहे हैं ना, आर्ट दिखा रहा है वो अपने, तो उसको भी हम आर्टिस्ट कह सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है आप कल डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी जो है अपने इनर सोल से जो है मेहनत से हार्ड वर्क करके अपने आर्ट दिखा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिस्ट. तो शू मेकर इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिस्ट. तो ये बच्चों हम कल डिस्कस कर चुके हैं और ये हम जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर, कि एक बार जो है मैं जो शू को जिस शू मेकर की यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, गैसलर की, गैसलर ब्रदर की, उनको वो कौन कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं, आई न्यू हिम, कब से जानता हूँ, फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं जो है यूथ था. क्यों जानता था, बिकॉज वो जो शू मेकर है गैसलर ब्रदर क्या है, ही मेड माई फादर्स बोट, क्योंकि मेरे पापा के शूज बनाते था इसलिए मैं उनको जानता था, क्योंकि और वो वहां किसके साथ रहते थे, ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, और वहां पे और कहां उनकी शॉप थी, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. और जैसे हमने पहले बताया था कि जर्मनी के थे वो, और कहां सेटल्ड हो गए थे, अमेरिका में. द शॉप हैड अ सर्टेन डिस्टिंक्शन. अब डिफरेंस डिफरेंट क्यों थी, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई वहां पे साइन बोर्ड नहीं था, सिंपल सा उनका नाम, ओनली द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर वाज रिटन देयर. आई रिमेम्बर विल शाई, और एक बार उन्होंने किस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने किस तरह से हंसते हुए आंसर दिया था, इट इज एन आस्क. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो होम. अब वहां पे एक बार जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो यूजली हम लोग चले जाते हैं, बट वहां पे जाना जो है, वहां पे क्या रहती थी बच्चों, एक चेयर, वुडन चेयर. और किस तरह से राइटर बता रहे हैं कि मैं वहां पे गया था और वो स्टेयर्स, एक लकड़ी की जो है वुडन नैरो स्टेयर्स रखी हुई थी, और उससे जो है किस तरह से वो उतर के आए थे. और यहाँ राइटर कह रहे हैं, ही हर्ड द आवाज जो है, साउंड ऑफ टिप टैप, उनकी जो स्लीपर्स की आवाज उन्हें सुनाई दी कि किस तरह से सीढ़ी से उतर के आते हैं. और फाइनली मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन, और किस तरह से ऑथर जो है राइटर उनसे बोलते हैं कि आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हो. और फाइनली जो है वो कुछ नहीं बोलते, ही वेंट बैक टू द जहां से आए थे, द सेम प्लेस. और फिर जो है उनके हाथ में क्या रहता है बच्चों, ए पीस, क्या था उनके हाथ में, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ लेदर, एक लेदर का टुकड़ा रहता है, और अपने आप बोलते हैं वो कि
वॉट अ ब्यूटिफुल पीस. तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो आप लोग जो है उसको समझे, राइट. तो वॉट अ ब्यूटिफुल पीस. वेन आई टू हैड एन मैट. और सेम वे में जो है राइटर भी जो है उनको प्रशंसा करते हैं. ओ एस, और फिर वो कहते हैं कि कब चाहिए आपको, तो कहते हैं कि अपनी सुविधा. राइटर यहाँ बोलते हैं एज सून एज यू कन्वीनियंट कैन. और किस तरह से यहाँ पे बताया था कि उन्होंने कि एक बारी जो है आई कैन फॉरगेट दैट डे, कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि वो दिन मेरे को अभी भी जो है याद है या मैं भूल नहीं सकता. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच, कि मुझे एक अवसर मिला था, कि ओकेशन था टू से दैट. एक अवसर मिला कि क्या बोला था उन्होंने कि मिस्टर टेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स, कि जो मैं पिछली बार जो बूट्स ले गया था क्रीक उस आवाज करता है, यू नो. किसने बोला था बच्चों ये? राइटर ने किसको बोला था? गैसलर को, मिस्टर गैसलर को बोला था कि लास्ट पेयर जो मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट, जो मैं आखिरी बारी जो है जूते ले गया था, इट क्रीक आवाज करते हैं. ही लुक्ड एट मी. अब उसने जो है गैसलर ने जो है उसकी तरफ देखा फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, कोई जवाब नहीं दिया. As if expecting, और उन्हें क्या लग रहा था कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, मी टू विदड्रॉ, कि मैं या तो विदड्रॉ कर लूं कि भाई ये गलत है, या फिर मैं उसको स्टेटमेंट को चेंज कर दूं, क्वालिफाई द स्टेटमेंट, उसको चेंज कर दूं. क्यों चेंज कर दूं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने पेयर ऑफ शूज बना दिए उन्होंने अपनी लाइफ में और ये कह रहे हैं कि लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक. हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो वो इस एक्सपेक्टेशन से उनको देख रहे थे कि मे बी जो है वो बोल दें कि भाई हाँ मैंने गलती से बोल दिया. देन सेड, और उसके बाद वो बोलते हैं इट शुड नॉट हैव क्रीक. अब फिर उन्होंने जर्मन भाषा में बोला कि वो आवाज नहीं कर सकते. बट राइटर ने कहा इट डिड, उन्होंने की. आई अफ्रीड, अब उन्हें जो है डर लगने लगा. उन्होंने कहा नहीं करते हैं आवाज करते हैं. उन्होंने कहा नहीं भाई वो नहीं कर सकते, आपको कोई गलतफहमी हो सकती है मे बी. But he replied, "It did. I am afraid." अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी चिंता में था, डर गया. I don't think so. उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता है. And that he lowered his eyes. और उन्होंने कहा एक लाइन जो है here it is missing, कि वो कहते हैं कि मे भी जो है आपने पानी में भिगो दिए होंगे जूते. तो वो राइटर यहाँ पे कहते हैं I don't think so, कि मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है. At that he lowered his eyes, और उन्होंने अपने आंखें नीचे कर ली. As if hunting from memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती करी है. और वो जब वो जूते बनाए थे उस दुनिया में जो है उस समय के टाइम पे जो है मेमोरी को याद करने की कोशिश करे थे जब उन्होंने वो जूते बनाए थे. Send them back. अब वो क्या कहते हैं जर्मन में ही बोल रहे हैं Send them back, कि उन्हें वापस ले आना. He said, I will look at them, कि मैं उनको देख लूंगा. किसने बोला? Who said? Gessler said to the writer. Some boots. अब वो क्या कहते हैं? Some boots. He continued. अब वो फिर से धीरे धीरे बोलते हैं. Continued slowly. Are back from birth. If I can do nothing with them, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया उनके साथ, I take them ऑफ योर बिल, तो मैं तुम्हें जो है पैसे रिटर्न कर दूंगा. किसने बोला? मिस्टर गैसलर ने बोला राइटर से कि तुम उन शूज को जो है वापस ले आना, और अगर मैं उनको ठीक कर सकता हूं तो कर दूंगा, अदरवाइज आई टेक देम ऑफ योर बिल. वंस, अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं वंस वंस ओनली व्हेन एब्सेंट माइंडेडली, मतलब एक जो है थोड़ा सा एबसेंट माइंडेडली जो है इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स, एक बारी ऐसी लापरवाही से जो है वो उनकी शॉप में चले गए थे और ये ध्यान नहीं दिया कि शूज कौन से पहने थे, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपेंड. पेयर ऑफ बूट्स बॉट इट एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म, और एक बार उन्होंने जो है राइटर कह रहे हैं कि कोई बड़ी फॉर्म से एमरजेंसी में, अभी होता है ना कहीं हमें पार्टी में जाना है तो इतना समय नहीं होता कि हम जो है ऑर्डर दें. क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट पैरे में मैंने आपको बताया था कि मिस्टर गैसलर जो है वो क्या करते थे, ऑर्डर में ही जो है पेयर ऑफ शूज बनाते थे. अब इमरजेंसी में राइटर कह रहे कि मैंने जो है किसी बड़ी फॉर्म से जो है क्या ले लिए थे, शूज इन इमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म. ही टुक, अब वो जो है उसको देख रहे थे, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या मैंने जूते बनाए हैं
या मैंने कोई सूट सिलाया या कुछ काम कराया तो मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई ये मैंने करा है. बट वेन ही लुक ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग. अब वो कह रही कि ठीक है उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, ही टुक माई ऑर्डर राइट और विदाउट सेइंग एनीथिंग. पेनिट्रेटिंग मीन्स एक्चुअली आइडेंटिफाई समथिंग. पेनिट्रेट कर रहे थे और देख रहे थे किसी चीज को, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये ऑब्वियस है वो किस चीज के लिए पेनिट्रेटिंग करेंगे. शूज के लिए कि वेदर ये मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जो शूज उन्होंने पहने कि मैंने बनाए हैं या फ्रॉम इट इज फ्रॉम अदर फॉर्म द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट एट लास्ट ही सेड. और लास्ट में वो कहते हैं जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सिंपल सा एक सेंटेंस बोलते हैं किसको, राइटर को. ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जूते जो हैं मेरे नहीं है, कि मैंने मेंड नहीं करे इनको. दो शूज आर नॉट माई बूट्स. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, ना तो उनकी आवाज में कोई गुस्सा था. कई लोग होते हैं ना चिढ़ जाते हैं कि भाई शुरू से जो है उनके फादर के मैंने बनाए, अब भी मैंने बनाए और ये बाहर से खरीद के लाया है. तो यहाँ पे राइटर करे देर वॉज नो साइन ऑफ एंगर, कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा नाराज है कि भाई तुमने ये बड़ी फोन से क्यों खरीदा. नॉर ऑफ सॉरो, ना वो दुखी थे, ना उन्होंने गुस्सा करा. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना उन्हें कुछ बोला कि वहां से क्यों खरीदे. बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, परंतु उनके अंदर कुछ था ऐसी शांति दी थी जिससे कि मेरा ब्लड जो है क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया, जम गया. मैं भी जो है वो थोड़ा सा राइटर मैं भी रिग्रेट कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही थी मैंने क्यों खरीदे थे और उन्हीं को पहन के मैं इनकी शॉप में आ गया राइट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपने हाथ नीचे करे एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और उन्होंने जो है मेरे शूज के नीचे जो है क्या करा, फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, जहां पे मेरे शूज जो है कम्फर्टेबल नहीं थे वहां पे उन्होंने अपनी फिंगर को प्लेस कर. इट वॉज यू डेयर ही सेड, कि ये तुम्हें तकलीफ करते हैं. ही सेड दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. अब उनको उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं कहा था, ही शोड नो एंगर नो सॉरो कुछ नहीं था. बट लास्ट में वो बोलते हैं जब जहां पे जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, वहां अपने फिंगर प्लेस करके वो बोलते हैं ये जो फर्म्स हैं कैसी हैं ये फर्म्स, दोज फर्म्स इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. दोज बिग फर्म्स, यहाँ पे जर्मन में लिखा है दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. अब उन्होंने जो है बहुत बिटरली मीन्स कड़वे शब्द जो है बोलने शुरू कर दिए इनके बारे में, अदर फॉर्म्स के बारे में. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन. अब यहाँ पे राइटर कह रहे पहले मैंने कभी उनको जो है इस तरह से कड़वी बातें बिटरली जो है बोलते हुए कभी नहीं सुना था. आई हैव नेवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज स्टेट, और अपने जो है हार्डशिप के लिए कि कितनी मेहनत करते रहे और किस तरह से उनके जूते जो है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ, नेवर फेल, कि कभी फेल नहीं हुए थे, नेवर फेल टू फिट. कि मतलब होता है ना कि हम कोई शूज लेने जा रहे हैं और हमारे पैर में फिट नहीं आ रहे, कहीं से पिंच करे, कहीं टाइट हो जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था. और ये फर्स्ट टाइम ही डिस्कस किसके साथ डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस विद राइटर अबाउट देयर ट्रेड, अपने बिजनेस के बारे में जो है किस तरह से हार्डशिप जितनी मेहनत करी थी उन्होंने, उसका जो है फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे थे विद राइटर. They get it all, he said. They get it all. He said, they get it by advertisement. अब वो कहते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स होते हैं क्या करते हैं ये, बड़े बड़े जो है पोस्टर्स लगा देती है, एडवर्टीजमेंट करती है अपनी चीजों के, और काम नहीं करते, नॉट बाय वर्क, काम से नहीं करते हैं वो, खाली लोगों को क्या करते हैं, टैम्पलेट करते हैं या अट्रैक्ट करती है. They take it away from us. और ये जो है हमारी जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो है हमसे दूर ले जा रही है, या जो हम हार्डशिप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे भी हमको दूर लगा रही है, क्योंकि ये क्या कहते हैं,
सिंपली काम के बजाय जो है प्रॉपर काम, क्योंकि हमें जो है पॉइंट मिला हुआ था क्योंकि वो टाइट हो रहे थे जूते, और जो उसने पहने हुए थे राइटर ने जो पहने हुए थे दे आर नॉट फ्रॉम देयर शॉप, उनकी शॉप के नहीं थे वो। तो वो बोलते हैं कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को जो है कस्टमर को जो है क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, किससे अट्रैक्ट करते हैं, बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, काम से नहीं करते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस फुल ऑफ आर बूट्स, इट गोम्स दिस प्रेजेंटली हाफ नो वर्क। अब जो है जिस वजह से ये लोग ज्यादातर लोग जो है बिग फॉर्म्स में जाने लगे, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, काम नहीं करते, उनका अपना ओपिनियन था, इन्होंने जो है हमारी बिजनेस को जो है उसे दूर कर दिया। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, अभी मेरे पास जो है ज्यादा काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल जो है मेरा बिजनेस जो है डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम हो जा रहा है। आई इट इट गेट्स लेस, यू विल सी। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स, अब जो है वो ओल्ड हो गए हैं, लाइन फेस है, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग एंड बिटर स्ट्रगल। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं मैंने कभी भी जो है, क्योंकि मैं अपने फादर के टाइम से उनको जानता हूँ, तो मैंने उन्हें कभी ये कड़वी बातें करते हुए या कड़वा जो है स्ट्रगल के बारे में बता रहे, कभी उन्होंने जो है ना उन्होंने कभी नोटिस किया था, ना कभी उन्होंने डिस्कस किया था। एंड वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और अब जो है उन्हें अचानक जो है कैसे दिख रहे थे उनके बाद ग्रे हेयर्स, वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स This suddenly in his red beard, लाल रंग की जो है दाढ़ी थी और बाल कैसे हो गए थे पहले से ज्यादा ग्रे। As best I could explain the circumstance of those ill-omened boots, अब यहाँ पे जो है राइटर को जो है थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि क्यों मैं जो है यहाँ पे ये अपशकुन, ओमेंट क्या होते हैं ill-omened, prophetic sign कि अशुभ जूतों को मैं क्यों यहाँ पे जो है पहन के आया हूँ इलोमेंट बूट्स। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सुजीत, परंतु उनकी जो फेस को देख के या उनकी वॉइस को देख के मेड अ डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड, अब उनको देख के जो है बहुत ज्यादा डीप मतलब बहुत ज्यादा सैड थे, क्योंकि उनका डे बाई डे जो है बिजनेस क्या हो रहा था कम होता जा रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स क्या है उनका ओपिनियन क्या था कि बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करती है एडवर्टाइजमेंट करती है नॉट बाय वर्क, दे अट्रैक्ट द बायर्स या कस्टमर्स को राइट, और इस वजह से जो है उनका बिजनेस जो है डे बाय डे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो ये चीजें देख के जो है अब अफसोस हो रहा है, किसको हो रहा है राइटर को। आई प्रे द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोस इल ओमेन बूट्स बट हिज फेस एंड वॉइस मेड so deep and impression that during the next few minutes ordered, और next few minutes में जो है writer ने क्या करा बहुत सारे जूतों का जो है क्या कर दिया orders दे दिए, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे order पे बनाते। अब क्या होता है बच्चों, अगर हमें emergency में कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं simple सा shop पे गए और बने बनाए जूते गए, क्योंकि इतना time नहीं होता हमारे पास कि इतना एक महीने का या 15 दिन का या 2 weeks का हम wait करें और तब जो है जूते हमें प्रिपेयर्ड मिलेंगे बने हुए मिलेंगे मैंडे। बट यहाँ पे वह यही बताना चाह रहे हैं कि अब उनकी कंडीशंस को देखे और उनका जो दुख को देखे, कभी उन्होंने जो है जिस तरह से बीटर स्ट्रगल को या बीटर अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे जो शेयर नहीं करा था, तो इसको देख के ही ऑर्डर्ड में यहाँ पे राइटर के लिए बोल रहे हैं ही ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, बहुत सारे जूतों का क्या करा उन्होंने ऑर्डर दे दिया। They lasted longer than ever, और इतने मजबूत होते हैं जैसे हमने पहले भी बताया था कि बहुत दिन तक चलते हैं, longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. अब 2 सालों का जो है उनके पास स्टॉक हो गया राइट, क्योंकि उन्होंने इतने पेयर्स ऑफ शूज जो है ऑर्डर कर लिए थे कि 2 साल तक तो वो उनकी शॉप में नहीं गए। क्लियर, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर, अब बहुत कुछ महीनों पहले की बात है, my next visit to his shop. अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि 2 महीने तक तो सॉरी 2 साल का तो मेरे पास स्टॉक था बिकॉज ही ऑर्डर मैनी पेयर्स, बहुत सारी जूतों का दे दिया था, और जैसे हमने पहले बताया था कि उनकी जूते जो है बहुत परफेक्ट रहते थे और ज्यादा
जो है उनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही जो है इट वॉज मैनी ईयर्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब नेक्स्ट विजिट जब उनकी वहां पे हुई, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। और जब वहां पे वो शॉप में गए तो जो मिस्टर गेसलर थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बड़े भाई होंगे। तो थोड़ा सा राइटर यहाँ पे क्या थे, कंफ्यूज थे, उन्हें लग रहा था कि उनके एल्डर ब्रदर हैं। हैंगिंग अ पीस ऑफ लेदर, और उनके हाथ में क्या था, होल्ड अ पीस ऑफ लेदर, एक चमड़े का टुकड़ा उन्होंने जो है हाथ में ले रखा था। वेल मिस्टर गेसलर आई सेड, अब राइटर कह रहे हैं उन्होंने पूछा, वेल मिस्टर गेसलर आई सेड हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। ही केम क्लोज, अब वो जो है उनके बहुत नजदीक आए क्योंकि अब बहुत ओल्ड हो चुके थे। ही केम क्लोज एंड पीट एट मी, पीट एट मी मीन्स लुक क्लोजली, पास से देखना, अगर हो सकता है नजर कमजोर हो गई होगी उनकी मे बी, तो वो और उसके पास आते हैं। आई एम बेटर वेल, आई एम जो मैं जो हूँ वेरी वेल, जर्मन में बोला उन्होंने कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, धीरे से उन्होंने बोला, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, परंतु जो मेरा बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो गई। क्या बोला उन्होंने धीरे से, व्हाट ही सेड मिस्टर गेसलर सेड स्लोली, माई ब्रदर इज डेड, मर गए हैं। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इनडीड हिमसेल्फ, अब राइटर को पता चला कि यहाँ पे जो जिनसे वो ही वॉज टॉकिंग दैट पर्सन इज मिस्टर गेसलर हिमसेल्फ नॉट एल्डर ब्रदर। अब उनको क्लियर हो गया था कि यहाँ पे जो है वो अपने आप है हिमसेल्फ, बट हाउ इज एंड व्हेन, मतलब बहुत पीला पड़ गया था उनका चेहरा। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले उन्होंने कभी भी जो है अपने भाई के बारे में जो है नेवर टॉक अबाउट हिज ब्रदर, अपने भाई के बारे में कभी बात नहीं करी थी। फर्स्ट टाइम ही टॉक्ड अबाउट हिज ब्रदर की उनकी डेथ हो गई है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, धीरे से, मर्मर्ड में स्पीक स्लोली, धीरे से उन्होंने बोला, ओह आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, अब उसने उन्हें बोला, अपने छोटे भाई ने क्या बोला उसके मिस्टर गेस्लर ने, कि वो जो है मेरे बड़े भाई क्या थे, ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ही मेड अ गुड बूट, कि बहुत अच्छे जूते बनाते थे वो। बट ही इज डेड, अब परंतु अब जो है उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। किसके बारे में बता रहे मिस्टर गेस्लर, अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बता रहे हैं कि माई एल्डर ब्रदर वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट नाउ ही इज डेड। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपना सर जो है ऊपर उठाया, मतलब हाथ जो है, एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हैंड, अपने सिर पे जो है हाथ रखा उन्होंने, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन, मतलब बहुत कम हो गए थे उनके सिर के बाल, गंजे हो गए थे, हेयर हैड सडनली गॉन, सब उड़ गए थे उनके बाल, एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, उनके भाई की तरह जो है बहुत कम बाल जो है उनके सिर में रह गए थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और मे भी जो है ये उनकी डेथ का कॉज हो सकता है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, अब उन्होंने बोला क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो यहाँ पे ये मत देखे कि वॉन्ट लिखा है या क्या लिखा है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा तो वॉन्ट, राइट, Do you want any boots? क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए? And he held up the leather in his hand. और उनके हाथ में जो लेदर था, it's a beautiful piece. फिर क्या बोलते हैं वो? It's a beautiful piece. ये बहुत सुंदर पीस है जो उन्होंने हाथ में लेदर ले रखा था, उसके लिए बोलते हैं Do you want any boots? कि तुम्हें कोई जूते चाहिए? और वो लेदर को दिखा के क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल पीस। तो यहाँ पे देखें गेस्लर ब्रदर हैं, खाली कोई अदर साइन नहीं है, खाली यहाँ पे क्या लिखा, ओनली ब्रदर गेस्लर इज, गेस्लर ब्रदर इज रिटन। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, अगेन ही ऑर्डर्ड, अब राइटर जब भी आते हैं बहुत सारी पेयर्स दे देते हैं, और फिर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दो टू ईयर्स का स्टॉक उन्होंने रख लिया था, फिर आते हैं वो, एंड अगेन ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स,
इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट देवर अब काफी टाइम लगा था उनको जूते उनके पास आए थे बट देवर बेटर देन एवर जो पहले जूते बनाए थे उससे भी अच्छे जूते उन्होंने बनाए थे बट थोड़ा टाइम लगा था उनको बट देवर बेटर एंड बेटर देन एवर वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रॉड और उसके बाद जो है राइटर कह रहे हैं कि मैं कहाँ चला गया था एब्रॉड बाहर चला गया था और जब वो वापस आए देन देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंड तो यहाँ तक अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है गैसलर ब्रदर की शॉप में जो है राइटर जो रेगुलर जो है आफ्टर टू ईयर्स या आफ्टर ईयर जो इनकी शॉप में जा रहे थे एंड अगेन एवरी टाइम ही ऑर्डर मैनी पेयर ऑफ शूज इट वॉज अब राइटर कह रहे हैं कि मैं जो है बहुत सारे जो है ऑर्डर दिए थे किसके शूज के एंड After that he went abroad. It was over a year before. अब एक साल जो है बीत गया I was again in London. फिर से वो कहाँ आए London में इसकी बात करें यहाँ पे हम राइटर की बात करें And the first shop कौन सी होगी बच्चों Guess करें First shop कौन सी होगी Obviously Gessler brother की जहाँ पे वो जो है उनकी skills थे और कितना impressed हो गए थे उनके जो जूते इतने perfect बनते थे तो एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड अब ओल्ड फ्रेंड कौन है मिस्टर गैसलर जो उनके जूते बनाते थे उनके फादर के टाइम से क्लियर तो सबसे पहले राइटर ने कहा कि जैसे ही मैं अब्रॉड से जो है लंदन आया सबसे पहले कहां गए ही वेंट टू गैसलर ब्रदर्स शॉप आई हैड Left a man of 60. अब वो कह रहे कि मैंने जो है 60 साल के एक आदमी को जो है छोड़ के गया था I had left a man of 60. I came back to one. और यहाँ पे बता रही कि और अब जब मैं आया हूँ तो कितने साल के हो गए वो 75. कौन बोल रहा है ये राइटर I had left a man of 60. I came back to one of 75. Pins and worn. Who genuinely His time, पिंस का मतलब क्या होता है पेल हो गए थे बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए थे पेस कैसा हो गया था बच्चों पेल थिन एंड वॉर्न हु जेन्युइनली जेन्युइनली का मतलब क्या ऑथेंटिकली ट्रूली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी अब पहचानना क्योंकि वो 75 ईयर्स के हो गए थे तो एकदम से तो वो पहचाने नहीं डू यू वॉन्ट एनी बूट्स अब फिर से उन्होंने अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन Do you want any boots? Obviously, उनकी दुकान में कोई आएगा तो क्या पूछेंगे वो Do you want any boots? Again, क्योंकि वो उनको पहचाने नहीं थे बट फिर अगेन ही asked the question, Do you want any boots? क्या आपको कोई boots चाहिए He asked, he said, I can make them quickly. अब फिर एकदम से बोलते हैं भाई मैं जल्दी से तुमको वो shoes दे दूंगा क्योंकि पहले जब उन्होंने order दिए थे when he ordered several pairs of shoes. It was very long before they came. काफी टाइम लगा था बट दे वर बेटर देन आवर उससे अच्छे थे वो जो पहले बने थे उससे भी बेटर थे बट दिस टाइम उन्होंने एकदम से बोला डू यू वॉन्ट एनी शूज एनी बूट्स आई कैन मेक देम क्विकली मैं जल्दी से उनको बना सकता हूँ दिस इज अ स्लेक टाइम अब जो है कैसा टाइम चल रहा है खराब समय चल रहा है स्लेक टाइम चल रहा है I answered, please, please, I want boots all around. मुझे हर तरीके के boots चाहिए. किसने बोला? Who said? Author ने बोला, writer ने. Every kind, हर तरीके के, हर variety के जो है मेरे को shoes चाहिए. I had given those boots up when one evening they came. One by one, I tried them on. अब उन्होंने जब एक शाम को जब उनके पास जूते आ गए, उनके तैयार हो गए. तो एक एक करके राइटर कह रहे हैं ट्राइड और सारे जो है इन शेप एंड फिट सब परफेक्ट है मतलब कोई कमी नहीं थी जैसे इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर मतलब क्वालिटी भी इतनी बेटर थी जैसे पहले रहती थी शेप में भी सही थे फिट भी थे फिनिशिंग बहुत नीट थी जैसे वो पहले बनाते थे कोई कमी नहीं थी जूतों में और एक एक करके ही ट्राइड राइटर ने जो है एक एक करके ट्राइड करा दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड मतलब पहले से भी उनकी क्वालिटी जो थी अब देखो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा हमारा टाइटल क्या है क्वालिटी तो क्वालिटी में जो है कोई भी जो है यहाँ पे
कॉम्प्रोमाइज नहीं था, सेम क्वालिटी के थे, जबकि बेटर क्वालिटी के थे। एवर मेड जो उन्होंने पहले शूज बनाए थे उससे भी बेटर क्वालिटी के थे, राइट। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, अब यहाँ पे राइटर कहने में नीचे सीढ़ियों में गया, आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोड अ चेक। अब उन्होंने फटाफट जो है जितने पेयर्स ऑफ शूज लिए थे और उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो है पहले से भी बेटर है, उनकी क्वालिटी भी सेम है, उससे भी अच्छी क्वालिटी है। ही फ्लू डाउन स्टेयर्स रोड अ चेक, उन्होंने एक चेक बनाया उसके नाम एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। अब उन्होंने एकदम से जो है उसको जो है पोस्ट करा चेक को, क्योंकि इतना ज्यादा वो इम्प्रेस हो गए थे कि पहले से भी अच्छे जूते बनाए थे और अब कितने साल के हो गए थे, ही वाज 75 इयर्स ओल्ड। अब एक हफ्ते बाद क्या होता, व्हाट हैपेंड, अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक बार जो है वो वहां से पास हो रहे थे, ही वाज पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ही थॉट he would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. कि मतलब इतने अच्छे तुमने जूते बनाए हैं, तो राइटर ने कहा कि भाई कुछ हफ्तों बाद, ए वीक लेटर, जब उन्होंने रिसीव करे थे अपने जूते सारे और फिट पहन के देखे थे और एक चेक भी बना के पोस्ट कर दिया था, तो आफ्टर दैट अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, when he was passing the little street, he thought कि मैं एक बार ही जाके उसको बोलूं कि गो इन एंड टेल हिम हाउ कि इतने सुंदर जूते तुमने बनाए हैं, न्यू बूट्स फिटेड। बट यहाँ पे राइटर कह रहे, बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि व्हेन ही वेंट देयर, जब वो उनकी शॉप में गए तो उनका नाम नहीं लिखा था, इट वॉज नॉट रिटन गैसलर ब्रदर्स, गैसलर ब्रदर वहां नहीं लिखा था। इंस्टेड ऑफ दैट, एक कोई नए किसी जो ऑनर थे वो नए थे और वहां पे जो है गैसलर ब्रदर का नाम हटा के उन्होंने अपना नेम प्लेट लगा दी। सर बोल रहे हैं कि व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, जहां पे उनकी शॉप थी, हिज नेम वाज गॉन। और क्यों हो गए बच्चों, क्योंकि किसी और ने उसको खरीद लिया था। गैसलर ब्रदर का नेम प्लेट हटा के इंस्टेड ऑफ दैट दे पुट देयर नेम प्लेट। I went in very much disturbed. अब जो है राइटर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि कई सालों से जो है अपने फादर के टाइम से जो है वो वापिस वहां से क्या कर रहे थे, ऑर्डर दे के जूते बना रहे थे। I went in very disturbed. थोड़े से वो जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, ऑब्वियस है, जो इतने सालों से हम जिनको जानते हैं और वहां पे शॉप के उनके नाम की जगह इंस्टेड ऑफ दैट किसी और का नाम लिखा है, तो ही वॉज डिस्टर्ब। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन, और शॉप के अंदर कौन बैठा हुआ था, एक यंग मैन बैठा हुआ था, राइट, विद एन इंग्लिश फेस, और उसका फेस कैसा था, इंग्लिश फेस था। अब ये लोग कौन थे, जर्मन के थे और अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे, मिस्टर गैसलर। तो वहां पे क्या लिखा था नेम प्लेट में, गैसलर ब्रदर, बट इंस्टेड ऑफ दैट अब कौन बैठा था शॉप के अंदर, एक यंग इंग्लिश फेस वाला जो है आदमी बैठा था, इंग्लिश मैन, यंग मिस्टर गैसलर इन। अब एज यूजुअल जो है राइटर ने जाके पूछा कि क्या मिस्टर गैसलर है अंदर, आई सेड नो सर, ही रिप्लाइड, वो जो यंग बॉय था इंग्लिश मैन उसने बोला नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग, उन्होंने कहा वो तो प्रेजेंट नहीं है परंतु आपको क्या चाहिए हम अटेंड करते हैं, विद प्लेजर वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब उन्होंने राइटर को क्या बताया कि हमने जो है ये शॉप को खरीद लिया, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं मिस्टर गैसलर कहाँ गए, अगर आपने शॉप खरीद ली है तो मिस्टर गैसलर, व्हाट अबाउट मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर्ड डेड। अब वो क्या बताते हैं कि वो तो जो है क्या हो गए हैं, मर गए हैं, डेड That, but I only received these boots from him last Wednesday week. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैंने जो है लास्ट वेडनेसडे वीक को ही ये जो जूते हैं वो उनसे रिसीव करे थे। अब उन्हें जो है बिलीव नहीं हो रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मैंने लास्ट वेडनेसडे वीक में जो है ये शूज खरीदे थे, तो ही वॉज शॉक्ड। जो कल इसी को हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अभी आप जो है इसको घर में रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें घर में जाके, क्योंकि रीडिंग जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और कहीं पे आपको इफ यू फील एनी डाउट
तो आ गए हैं कल, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.